जैसा कि आपको पता है कि 18 को फर्स्ट फेज शुरू होने जा रहा है पोलिंग का, तो इस सिलसिले में हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं 9 कैंडिडेट्स का। पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि जो भी कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का चुनाव पहले लोग ही करेंगे, वहाँ के लोग। तो हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के साथ डिलीबरेशन कर रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी से मिल रहे हैं, हम लोकल मीडिया पर्सनालिटी से भी वहां मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा कोई एक्यूमुलेट करके हमने 9 अभी तक मेंबर शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनके साथ में जिनका नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो हमारा कैंडिडेट होगा पांपोर से, वो होगा अब्दुल कयूम मीर साहब, ये डीडीसी मेंबर है। दूसरे जो है त्राल से है डॉक्टर हरबख्श सिंह, आप जानते होंगे काफी मायनाज शख्सियत है। पुलवामा से हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक है सोफी इकबाल साहब। जैनापुरा से मौलवी फयाज वगे साहब होंगे। दमाल हांजीपुरा से मोहम्मद आरिफ डार साहब होंगे। दिवसर से डॉक्टर सुहेल भट्ट होंगे। डूरू से हिलाल अहमद मलिक होंगे। अनंतनाग वेस्ट से आकिब मुश्ताक हमारे कैंडिडेट होंगे और अनंतनाग 14-4 से तौसीफ निसार होंगे। अभी तक ये लिस्ट हमारे पास आया है, ये सारी डिलीबरेशंस करके सिविल सोसाइटी से मिलकर हमारे पास काफी सारे एक्स एमएलएज अप्रोच कर रहे हैं पार्टी मैंडेट के लिए। बहुत सारे पार्टियों के एमएलएज, फॉर्मर एमएलएज हमें अप्रोच कर रहे हैं, एमपीज की भी कर रहे हैं, एक्स मिनिस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सुप्रीमो जो इस वक्त तिहार जेल में बंद है, उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि लोगों के साथ डिलीबरेशन करके उनसे नाम लेकर वही इंजीनियर रशीद साहब का नाम होगा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसके साथ ही हमारे यहाँ आज इस मौके पर भी एक और ज्वाइनिंग होने जा रही है, हमारे खनमो से डीडीसी शमीमा बानो आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में ज्वाइन कर रही है, वो यहाँ पर है, वो यहीं पर है, तो हम उनका वेलकम करते हैं। साथ में हम बिलाल अहमद भट्ट जो कि खनमो के एक मायाना शख्सियत है, उनका भी सियासी शख्सियत है, उनका भी हम वेलकम करते हैं। फारूक अहमद खनमो से ही साबिका सरपंच है, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो सफर का तो उनको पता ही है सफर कैसा है, तो इस सफर में इस सही रास्ते पर राह हक पर हम उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। इनाम साहब, आपने भी लिस्ट दिया ना कैंडिडेट्स का, तो आप लोगों से क्या वादे कर रहे हैं, मैनिफेस्टो क्या है इस पार्टी का? मैनिफेस्टो की सेपरेट एक दो दिनों में हम आपको मैनिफेस्टो की कॉपी देंगे। मैनिफेस्टो हवा में नहीं होगा, जिस तरह रिवायती सियासतदान, रिवायती पार्टीज यहाँ पर कह रही है वो करेंगे ये करेंगे, हमारे जो भी पॉइंट्स होंगे, जहाँ वादा होगा वहां नीचे उसका मॉडस ऑपरेंडी होगा कि हम किस तरह किस चीज को कर सकते हैं। ठीक है जनाब, वो डिटेल्ड एक रिपोर्ट होगा और नया क्रिएटिव मैनिफेस्टो होगा, वो जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है और जो मैनिफेस्टो कमेटी फॉर्मेशन कमेटी है, वो आपके साथ बात करके आप पर उस पर डिलीबरेशन करके उसमें मीडिया का भी खास ख्याल रखा गया है, आपके जो मुश्किलात है उनको भी हमने उसमें ऐड किया है, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो सारी चीजें हम मीडिया से भी एक डिलीबरेशन रख रहे हैं, उस चीज को हम उसमें भी ऐड कर रहे हैं। सर, इंजीनियर का अपडेट क्या है? जम्मू कश्मीर में सारे असेंबली सेगमेंट्स पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, और आप ये इंडिविजुअली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एज एआईपी या किसी प्री पोल अलायंस में आप जा रहे हैं किसी पार्टी के साथ? नो अलायंस एट ऑल, हम अवामी इत्तेहाद पार्टी अपने पार्टी सिंबल पर कॉन्टेस्ट कर रही है। और सारी सीट्स पर सर, इंजीनियर रशीद का अपडेट क्या है? आपने बेल के लिए अप्लाई किया है? हमने बेल के लिए अप्लाई किया है, 28 तारीख को उसका तारीख है, हम देखते हैं कोर्ट से क्या आएगा।